हेलो एवरीवन, एटीएम विशेष पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आटे का लच्छा पराठा। लच्छा पराठा जो होता है ये काफी लच्छेदार होता है, इसमें ढेर सारे लच्छे होते हैं और अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा बनता है। इवन हलवाइयों से भी अच्छा लच्छा पराठा घर पर बना सकते हैं। और फिर आज तो हम इसे बिना मैदा के आटे से बनाएंगे तो काफी हेल्दी वर्जन होगा ये इस लच्छा पराठे का। साथ ही साथ मैं आपको इसे बेलने की मेरी ट्रिक बताऊंगी जो कि काफी खास है और इससे पराठा बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से ये आटे का लच्छा पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले डो लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम रोटियां बनाते हैं और ये चक्की वाला आटा है। तो ये आटा मैंने मेजरिंग कप से लिया है 2 कप। और इसमें हम इस तरह से जगह बना लेंगे, ये देखिए। अब इस जगह में हम डालेंगे इसमें सबसे पहले कुछ चीजें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1/4 कप दूध, हमें नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध इसमें डालना है। अब इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, लगभग 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने नमक डाला है। साथ ही साथ 1 चम्मच मैं ये पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ जिससे पराठे पर बहुत अच्छा कैरमलाइज कलर आएगा जो काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इसमें हम 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे और फिर इन चीज़ों को हम अच्छे से आटे में हाथों की मदद से मिला लेंगे। ये जो पराठा है ये मैं प्योर गेहूं के आटे से बना रही हूँ, इसमें मैं मैदा की मिलावट बिल्कुल नहीं करूँगी। लेकिन आप चाहें तो इसमें थोड़ा मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरी ही तरह इसे प्योरली गेहूं के आटे से बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मिला ली हैं और आप आटे का टेक्स्चर देखिए कितना अच्छा सा क्रम्बली हो चुका है ये। अब पानी की मदद से हम इसका डो तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और अच्छा सा सॉफ्ट स्मूथ और चिकना इसका डो तैयार करेंगे। अब हमारा ये जो डो है ये काफ़ी अच्छे से तैयार है, लेकिन अब हमें इसकी गुंथाई करनी है और इसमें हमें लगभग 4 से 5 मिनट ज़रूर से इसकी गुंथाई करनी है जिससे इसमें मैदे की तरह लचक आ जाएगी। तो अच्छे से स्मूथ और सॉफ्ट इसे करने के लिए हम इस पर पानी के छींटे डालेंगे और फिर इस तरह से हम इसको गूंथेंगे। तो ये देखिए ये मैंने इस डो को एकदम अच्छे से तैयार कर लिया है, काफ़ी अच्छे से इसमें लचीलापन आ चुका है। अब इसके बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। तो उससे पहले हम इस पर इस तरह से थोड़ा सा पानी छिटक देंगे और हल्का सा इसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद बस आप इस डो पर या तो गीला कपड़ा ढकिए या इस तरह से क्लिंग रैप से इसे कवर कर दीजिए और फिर 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए रेस्ट पर। तो ये देखिए मैंने इस डो को एकदम अच्छे से आराम दिया है और हमारा ये डो अब अच्छे से सेट हो चुका है और अब हमें इसके पराठे बनाने हैं। तो उससे पहले हम इस डो को एक बार हाथों से थोड़ा सा मसल लेंगे। तो ये देखिए आप देख रहे हो कि हमारा ये जो डो है ये कितना अच्छे से लचीला है और इतना ही लचीला और सॉफ्ट डो होगा तो जो पराठा होगा उसके लच्छे भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होंगे। तो अब हम थोड़ा सूखा आटा लेंगे और फिर इसको हम 4 या 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसकी एक बॉल बना करके तैयार करेंगे जिससे हम बनाएंगे ढेर सारे लच्छे वाला लच्छा पराठा। अब जो लच्छा पराठा हम बना रहे हैं उसके जो लच्छे हैं वो आपस में ना चिपके और अच्छे से खिले खिले बनकर आए उसके लिए हमें लेना है देसी घी। घी की जगह पर आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन तेल से जो काम है वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है और घी से ज़्यादा बेटर रहता है। तो घी को हमें पहले अच्छे से फेंट लेना है और फिर इसमें हम डालेंगे लगभग 2 चम्मच गेहूँ का आटा और घी में अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आटे को हम इसमें अच्छे से मिला लेंगे और ये एक पेस्ट की तरह इसको तैयार कर लेंगे। अब जिस भी सरफेस पर आप पराठे को बेलने वाले हो उसे अच्छे से कपड़े से साफ कर लीजिए और उसके बाद लीजिए आटे की एक बॉल, साथ ही साथ लीजिए थोड़ा सा सूखा आटा। तो इसे हम आटे से अच्छे से इस तरह से लपेट लेंगे और फिर बेलन की मदद से इसे बेलेंगे। तो हमें इसे जितना हो सके उतना फैलाने की कोशिश करनी है। जो आटा होता है वो मैदे की तरह ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमें डो को अच्छे से नीट करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला पाए। तो ये देखिए इस तरह से रफली मैंने इसे बेल लिया है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटाई भी नहीं है इसकी। तो ये एकदम परफेक्टली हमने इसको बेल लिया है। अब ये जो घी का और आटे का हमने पेस्ट बनाया है वो हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो जितना आप चाहें उतना आप इसे लगा सकते हैं। आपको अगर कम पसंद है घी या ज़्यादा खाना कैलोरी वाला तो आप इस पर कम घी लगा सकते हैं, लेकिन जितना अच्छे से इस पर ये पेस्ट हम लगाएंगे उतने ही अच्छे इसके लच्छे बनकर आएंगे। तो ये मैंने इस पर अच्छे से घी का पेस्ट लगा लिया है। अब चाकू की मदद से या पिज़्ज़ा कटर से हम इसके पतले पतले से स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। तो ज़्यादा मोटे नहीं रखेंगे, ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखेंगे इनको
और पतले पतले से इस तरह से कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो लच्छा पराठा होता है, इसे बनाने में थोड़ी मेहनत और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो रिजल्ट इसका निकल कर आता है वो बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी अमेजिंग होता है। तो आप इस पराठे को किसी स्पेशल ओकेशन पर बना सकते हो, मेहमानों के लिए बना सकते हो, या फिर जब अपना खुद का मन करे कुछ स्पेशल खाने का तब बना लीजिए और खाइए इसको। तो ये आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ भी खा सकते हैं, और या फिर आप इसे इसी तरह से खा सकते हैं, क्योंकि ये आटे का है और जिस तरह से हम इसे बना रहे हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत क्रिस्पी हो जाता है ये सिकने के बाद। तो ये देखिए इस तरह से करने के बाद चाकू के बैक साइड से हम इसे इस तरह से कलेक्ट करते जाएंगे। मैं यहाँ पर बड़े वाले नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास अगर स्क्रैपर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो स्ट्रिप्स है इनको एक के ऊपर एक इस तरह से लपेटते हुए हमें कलेक्ट करते जाना है, और जब तक ये पूरी रोटी अच्छे से लपेट ना जाए तब तक हमें इसे इस तरह से करते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। अब थोड़ा सा घी हम इस पर और लगाएंगे, थोड़ा हैवी ज़रूर हो जाएगा ये, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है, इतनी तो चीटिंग कर ही सकते हैं खाने में। तो ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा घी और लगा लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से लपेटेंगे। ये देखिए आप तो उंगलियों पर इसे इस तरह से घुमाते हुए लपेट लेंगे, और फिर ये जो इसके किनारे हैं इसे हम इस तरह से नीचे की तरफ दबाते हुए चिपका देंगे, और इसके बाद हम इसे हल्का सा इस तरह से चपटा कर लेंगे। ये देखिए तो ये एक हमारा लच्छा पराठा का जो लच्छा पेड़ा है वो तैयार है, और ठीक इसी तरह से हमें सारे पराठों के लिए लच्छा पेड़ा को तैयार करना है। तो ये मैंने कुछ लच्छा पेड़ा बना लिए हैं, और एक छोटू पराठे के लिए ये एक छोटा लच्छा पेड़ा बनाया है। तो लगभग 4 से 5 पराठे हमारे इतने डो में बन जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने छोटी या बड़ी साइज में बनाया है। अब इसको हमें क्लिंग रैप से या गीले कपड़े से कवर कर देना है, और आप इसे इस तरह से बना करके प्रिपेयर करके रख सकते हैं, और जब भी आपको बनाना है तो आप उसे बना सकते हैं, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसे सर्व करने में। तो इसे हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये जो पेड़े हैं थोड़े से सेट हो जाए, और उसके बाद हम इसे आसानी से बेल पाए। अब मैं आपको एक पराठा बेल कर दिखाती हूँ। तो इसे बेलने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक की पॉलिथीन इस्तेमाल कर लीजिए, या इस तरह से पार्शमेंट पेपर यूज़ कर लीजिए, और फिर इसे ऊपर से भी पार्शमेंट पेपर से कवर कर लीजिए, और इसके बाद बेलन की मदद से इसे हल्का हल्का सा बेल लीजिए। ये जो पराठा होता है ये ज़्यादा पतला नहीं होता है, थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो आपको भी ये पराठा बेलने के लिए यही ट्रिक फॉलो करनी है। अगर आप इसे बिना इसके बेलेंगे तो क्या होगा कि ये जो लच्छे होते हैं ये बेलन पर और सरफेस पर बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे और टूट जाएंगे, और इस तरह से अगर करेंगे तो एकदम साफ सफाई से एकदम सुंदर लच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए ये मैंने इसे बेल लिया है और ये अब सेकने के लिए तैयार है। तो इसे हम इस तरह से उठाएंगे और गर्म तवे पर इसे डालकर सेकेंगे। तो आप देख रहे हो इसमें हल्के हल्के से लच्छे अभी से ही दिख रहे हैं, तो चलिए इसको हम सेक लेते हैं साथ साथ। तो पराठे को सेकने के लिए मैंने तवा गर्म किया है, और तवे को हम मीडियम आंच पर गर्म करेंगे, और इस तरह से हम इस पर ये पराठा डाल देंगे, और एक साइड से इसे पहले थोड़ा सा सिकने देंगे। एक बार जब ये एक तरह से थोड़ा सिक जाए उसके बाद हम इसे हल्के से पलट लेंगे, और दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा सा सेक लेंगे। साथ ही साथ हम इसे हल्का हल्का इस तरह से दबाते हुए सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, और फिर इस पर हम थोड़ा सा घी और लगाएंगे। यहाँ पर आप तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पराठा हमने पूरा घी से बनाया है तो घी ही लगा लेते हैं थोड़ा सा। और तो हम इसकी दोनों ही साइड पर थोड़ा थोड़ा घी लगा लेंगे, और अलटते पलटते हुए इसे दोनों ही तरफ से अच्छा सा सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारे ये पराठे को मैंने दोनों ही साइड से अच्छे से सेक लिया है, और आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा इस पर कलर आया है, और इसके लच्छे आप देखिए एकदम अच्छे से खुल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, और काफ़ी क्रिस्पी है ये। तो ये हम अच्छे से सेक चुका है और इसको हम सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से पराठे को सेकेंगे, बनाएंगे और फिर सर्व करेंगे। इस तरह से ये हमारा आटे का लच्छेदार पराठा बनकर तैयार है खाने के लिए, जिसके लच्छे बहुत अच्छे आए हैं। आप चाहें तो इसे हल्का सा हाथों से क्रश कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। तो आप भी इस तरह से इस पराठे को बनाइए, आटे का बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा ये खाने में। तो बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ईट यम्मी शोज़ को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस आटे का लच्छा पराठा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी शोज़।